अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट। माय नेम इज असद एंड विद मी हियर इज डॉक्टर फहीम। टुडे वी आर गोइंग टू शान जोतांग यूनिवर्सिटी यांता कैंपस एंड वी विल डिस्कस सम डेली रूटीन लाइफ। जी फहीम भाई, आप क्या कहेंगे? जी असद भाई, जैसा कि आपने बताया कि हम आज अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, शान जोतांग यूनिवर्सिटी। इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता कि हम चाइना में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम शान जोतांग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आज हम अपने कैंपस, जो हमारा यांता कैंपस है ना, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जा के हम अपने व्यूअर्स को अपनी यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, इस तरह के डिफरेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी में चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम उनका विज़िट कराएंगे। तो फिर मिलते हैं वहीं जाके। लेट्स मीट इन शान जोतांग यूनिवर्सिटी। जी गाइस, तो ये हम पहुंच चुके हैं शान जोतांग यूनिवर्सिटी यांता कैंपस में। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर होंगे। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मेन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की। ये एंट्री गेट है, वॉइस डिटेक्टर। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है। ये देखें जी, यूनिवर्सिटी के अंदर का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। यहाँ की अच्छी बात यही है कि इन्होंने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम अच्छा रहता है। और ये गर्ल्स यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का मेन गेट है, और ये 24/7 ओपन होता है। सबसे पुराना कैंपस शान जोतांग यूनिवर्सिटी का यही है यांता कैंपस। एनवायरनमेंट देखें कितना प्यारा मेंटेन किया हुआ है। 1896 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी और सबसे पहले ये कैंपस बनाया गया था। इसके अलावा इसके और दो कैंपसेस हैं, शिंगशिंग कैंपस और इनोवेशन हार्बर कैंपस। नेक्स्ट व्लॉग्स में हम उनका भी रिव्यू आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे, साथ साथ आपसे शेयर करते जाएंगे चीज़ें यांता कैंपस में और क्या क्या चीज़ है। गाइस, दिस इज़ द सेकंड गेट ऑफ शान जोतांग यूनिवर्सिटी एंड वी एंटर थ्रू द फर्स्ट गेट। दिस बिल्डिंग इज़ नोन एज द ग्रीन बिल्डिंग बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी। इस बिल्डिंग के अंदर का आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे एक जो इनोवेशन नज़र आई है वो है रिजल्ट कार्ड प्रिंटिंग मशीन। रिजल्ट कार्ड प्रिंटिंग मशीन में बताते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये जी दो मशीनें लगी हुई हैं, इनमें स्टूडेंट कार्ड की जगह है। पाकिस्तान का अगर मैं कंपैरिजन करूं अपने कंट्री का, तो वहाँ पे अगर हमने अपना रिज़ल्ट कार्ड या कुछ भी लेना होता है सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं क्लर्क्स की और डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप जाते हैं, अपना कार्ड रखते हैं, स्टूडेंट कार्ड, और इसके बाद ऑप्शन हैं आपको, आपको क्या क्या चाहिए। इसमें से आप अपने कलर जो है सर्टिफिकेट प्रिंट करवा सकते हैं, जो आपने कोर्सेज पास किए हैं विद यूनिवर्सिटीज़ ऑफिशियल स्टैम्प एंड सील। गाइस, ये एकेडमिक ब्लॉक का एग्ज़िट है, एंट्री भी है, एग्ज़िट भी है, लेकिन जहाँ से एकेडमिक ब्लॉक से हम आते हैं तो यहाँ से एग्ज़िट होता है, और सामने वाला गेट डॉर्मेट्रीज़ का है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए इन्होंने सामने एक जो है ब्रिज बनाई हुई है। इस ब्रिज के थ्रू जो है हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वो देख सकते हैं अपने सामने, ये ब्रिज जा रही है और इस ब्रिज के थ्रू हम वहाँ पे एंटर होंगे। तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। गाइस, ये दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी का एक और एंट्री गेट है। इससे हम जाएंगे सीधा डॉर्मेट्रीज की तरफ।
बेसिकली सबसे पहले जब कैंपस बना था तो ये एरिया डेवलप किया गया था। यहाँ पे डॉर्म है, हम पाकिस्तान में हॉस्टल कहते हैं, यहाँ पे डॉर्म कहते हैं। मे बी हम पाकिस्तान में भी डॉर्म कहते हूँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। और यहाँ पे शान जोतांग यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, स्कूल भी है। और ये जब हम चाइना आए थे तब ये बिल्डिंग बन रही थी और आज फाइनली ये ओपन हो चुकी है। इट्स अ कैंटीन फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड चाइनीज एज वेल। यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिफरेंट शॉप्स हैं। ये सामने वाली शॉप है, यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की सब चीज़ें मिलती हैं। ये रात को 11 बजे तक खुली होती है, यहाँ से अपने खाने पीने की बंदा चीज़ें ले सकता है। और बिल्कुल इसके साथ ही बास्केटबॉल ग्राउंड है और ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है। आजकल लोग यहाँ पे थोड़े कम इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं गर्मियों की और तकरीबन लोग इंटरनेशनल्स और ये चाइनीज़ लोकल अपने घरों को चले जाएंगे। ये है फुटबॉल ग्राउंड और ये सामने डॉर्मेटरीज़ के बिल्डिंग्स हैं तीन, साउथ बिल्डिंग, नॉर्थ बिल्डिंग एंड मिडल बिल्डिंग। वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। गाइस ये एक और ग्राउंड है, आर्टिफिशियल फ्लोर बनाए हुए हैं बैडमिंटन के, काफ़ी सारे कोर्ट्स बने हुए हैं। इन लोगों की अच्छी बात यह है कि सारा दिन से काम से फ्री होने के बाद ये 3 से 4 बजे अपनी गेम्स लाजमी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, ये जो रास्ता जा रहा है ये हमारी डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा है। इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड है ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हैं और जो मेरे राइट साइड पे बिल्डिंग्स हैं ये सारे यहाँ पे जो चाइनीज़ लोकल स्टूडेंट हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ये उनके हैं। तो अभी आपको हम अपने इंटरनेशनल डॉर्म भी विज़िट करवाते हैं जहाँ पे हमारे पास टोटल 3 बिल्डिंग्स हैं। मिडल बिल्डिंग है एक, दूसरी साउथ बिल्डिंग है और एक नॉर्थ बिल्डिंग है। जैसे ही हम डॉर्म में एंटर होने लगते हैं तो ये सबसे पहले इन्होंने लोगो लगाया हुआ है शान जोतांग यूनिवर्सिटी का और यहाँ पे एंटर होते हैं। जी फहीम भाई चलें। एंटर होने के लिए इन्होंने जो सेटअप रखा हुआ है, ये एंट्री है डॉर्म में, विदाउट कार्ड आप एंटर नहीं हो सकते। ये कार्ड रखेंगे, स्वैप करेंगे, ये खुल जाएगा। तो ये हम एंटर होते हैं। दिस इज नॉर्थ बिल्डिंग डॉर्म, ये चेक करें आप। ये गैलरी है, इसी तरह के सेम बिल्डिंग है सारी। और इस साइड पे भी रूम्स हैं, फ्लोर नंबर 1 है। और ऐसे ही फ्लोर नंबर 2। और यहाँ पे किचन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कुकिंग करते हैं। ये किचन है, कुकिंग प्लेट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कुकिंग करते हैं। और इसी फ्लोर पे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए आगे ऑफिस बनाया हुआ है। तो गाइस ये हम पहुँचे थे शान जोतांग यूनिवर्सिटी डॉर्म की तरफ और हमें मिलना था डॉक्टर बिलाल साहब को, पाकिस्तान से आए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। तो जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसा लगा चाइना में आके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। बेसिकली मैं इधर स्कॉलरशिप पे आया हूँ तो अभी इधर बाकी तो ओवरऑल इनका जो कल्चर है, इनका जो स्टडी का कल्चर है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इधर मुझे फेस करना पड़ा क्योंकि मुझे खुद कुकिंग नहीं आती। तो कुकिंग के मामले में जो है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम फूड्स है उसकी सिलेक्शन ज़रा मुश्किल है,
तो उस लिए फिर ये होता है कि हमें कुकिंग खुद करना पड़ती है। तो पहले कुछ दिनों से मुझे प्रॉब्लम फील हुई है, अब आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इसमें भी काफ़ी भी। बाकी ओवरऑल जो है यहाँ पढ़ाई के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छा माहौल है, और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को एक बार लाजमी कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो ट्राई करे तो इधर आके वो भी हमारी तरह ही अपॉर्चुनिटी। तो गाइज ये था आज का हमारा व्लॉग यांता कैंपस में, एक दिन हम शिंग शिंग कैंपस में जाएंगे, वहाँ भी नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।